हेलो फ्रेंड्स, विहंगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये पारिजात है, ये पारिजात के फ्लावर्स हैं। और ये देखिए, ये पारिजात को मैंने कट किया है, इसके पीछे की डंडी मैंने सारी कट की है। और ये देखिए, सारी डंडियां मैंने कट की हैं और ये कट करके यहाँ पे रखा है। ये मुझे मेरी फ्रेंड से अभी पता चला है कि ये जो पारिजात की ये डंडियाँ हैं ना, इसको आप ड्राई करके केसर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे केसर में कलर आएगा ना, सेम आप जिस भी खाने में डालोगे आपको केसर के कलर मिल जाएंगे इनकी डंडियों से। ये एक यूनिक जानकारी है। मैंने कहा मुझे जब ये जानकारी मिली है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्या पता आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे पारिजात के ये अच्छे ग्रो किए हैं पौधे, उसके फ्लावर्स हैं। देखिए डिफरेंस, ये जो बड़े फ्लावर्स आप देख रहे हैं ना, ये इसका प्लांट बहुत बड़ा है। और ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये तो अभी एक साल पहले का प्लांट है, मैंने इसकी कटिंग से ग्रो किया था। ये जो बड़ा मेरा प्लांट है ना, उसकी कटिंग लेकर मैंने एक प्लांट ग्रो किया था जो अभी एक ही साल का है। फ्लावर्स तो बहुत होते हैं इसमें, लेकिन बस इसकी छोटी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कम है, इसीलिए इसके छोटे फ्लावर्स होते हैं। जिसकी बड़ी ग्रोथ है उसके फ्लावर्स देखिए कितना डिफरेंस है। और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है ना, छत में मैं जाती हूँ ना, बिल्कुल बिछा रहता है, फूल चारों तरफ बिछे रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। और पारिजात तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि ये अभी मुझे नई नई जानकारी मिली कि पारिजात की फ्लावर्स की डंडियों से आप केसर का उपयोग जैसे करते हैं केसर के रूप में, केसर जो आप यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ, आप इस पारिजात की डंडी को ड्राई करके और केसर की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड निमी चौधरी, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। अभी तो मैंने ये पहली बार कटिंग की है इसकी डंडियों की, अब मैंने कहा सुखा के मैं यूज़ करूं, तो आप लोग भी यूज़ करके देखिए। अभी तो मेरे पास थोड़े से फ्लावर्स थे, अब रोज़ मैं इकट्ठा करूंगी और रोज़ इसकी डंडियों को ड्राई करूँगी, फिर देखते हैं यूज़ करके इसका क्या रिज़ल्ट आता है। आप लोग भी यूज़ करिएगा और बताइएगा रिज़ल्ट कैसा आया। तो फिर कभी और किसी नई जानकारी के साथ विहंगम चैनल आपको बाय बाय करता है। तो आप इसको शेयर कीजिएगा ज़रूर, अगर आप लोगों को पसंद आई तो। थैंक यू।